सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट को, इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर द सुनामी का पार्ट सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक लड़की की कहानी है इसमें, जिसका नाम है टिली स्मिथ, जिसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन में। तो ये लड़की का नाम है टिली स्मिथ, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती है, ब्रिटेन के एक स्कूल में पढ़ती है, जो कि 10 साल की एक स्कूल गर्ल है एक। और वो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, अपने मदर फादर और सिस्टर के साथ घूमने के लिए वो थाईलैंड गई हुई है। फुके फुके बीच है वहाँ पे थाईलैंड के अंदर, वहाँ पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर वो जा रखी है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे इसको इसको डिस्कस करने के बाद आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टिली स्मिथ, ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुके बीच इन थाईलैंड। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इन टू अ हीरोइन। व्हाट डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। तो ये लड़की है टिली स्मिथ नाम की, इसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाई थी फुके बीच थाईलैंड के अंदर, जब वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। तो वहाँ उसने उसकी वजह से उन्होंने उस लड़की ने टिली स्मिथ ने बहुत सारे अवार्ड्स ने जीते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको टेलीविज़न पर इंटरव्यू दिलाने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कोई एकदम फेमस वहाँ पे स्टार बन जाए, टेलीविज़न स्टार बन जाए वो। तो अब ये सवाल ये बनता है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा। सो इसके बारे में से मेंशन नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, लेकिन अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old, देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। यहाँ पर स्टोरी है, एक थाईलैंड की स्टोरी है, जहाँ पे स्मिथ फैमिली अपने क्रिसमस, जो स्मिथ फैमिली जो है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती है, वो जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो थाईलैंड के फुके बीच पर वो जा रखे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने रिजॉर्ट के अंदर वो स्टे कर रहे हैं। जो टिली स्मिथ है वो जो 10 साल की जो लड़की है, और वो और उसकी छोटी बहन 7 साल की जो है, और उसके जो पेरेंट्स पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, जो उसकी मदर का नाम है पैनी स्मिथ और उसकी उसके जो फादर है उनका नाम है कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी वेव्स और वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर डैट मॉर्निंग। ये बात है 26 दिसंबर 2004 की, जब बहुत खतरनाक सुनामी की वेव्स अपने रास्ते पर थी, और वो फुके बीच पर, थाईलैंड के फुके बीच पर, जहाँ पर वो स्मिथ फैमिली जहाँ पर घूम रही थी बीच के आस पास, वहाँ पर वो सुनामी एंटर करने वाली थी। उससे जस्ट पहले, उस सुनामी से जस्ट पहले वहाँ पर एक क्या अर्थक्वेक वहाँ पर आया था नॉर्दर्न सुमात्रा में, उसी सुबह को। देन उसके बाद द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग। तो उसके बाद क्या होता है, जो पेनी स्मिथ को याद आता है कि जो पानी था वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर रहा, स्वेल करना मीन्स फूलना, फूलने का मतलब यहाँ पे है कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो उसकी जो वो बीच की तरफ पानी वो बढ़ता जा रहा था और स्पीड में आ रहा था वो, और जो बीच था उसकी वजह से जो बीच था वो बहुत छोटा छोटा होता जा रहा था, मीन्स पानी आगे बढ़ रहा था और बीच का एरिया कम कम होता जा रहा था। लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर में हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस डेट समथिंग वॉज रॉन्ग, हर माइंड कैप गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड टू जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो उसको इस चीज़ को देखकर उसको कुछ ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसको दिमाग घूम कर उस क्लास में चला जाता है, जब वो 2 हफ्ते पहले जब वो अपनी इंग्लैंड के अंदर, जब वो अपनी क्लास के अंदर बैठी हुई थी और ज्योग्राफी का लेसन उसके टीचर उसको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर उसको वो बात याद आती है। क्या याद करती है वो, टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। शी रिमेंबर डैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी डैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड्स इन 1946। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड दैम डैट सुनामीज कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो उसके बाद जो उसको देखते हैं कि जो पानी जो था धीरे धीरे वो समुद्र से बीच की तरफ पानी बढ़ रहा था, ऊपर उठते हुए आगे बढ़ रहा था, उसमें झाग आ रही थी, उसमें बबल आ रहे थे, और वो उसमें वर्लपूल्स भी आ रहे थे। वर्लपूल्स मीन्स
जो भंवर होता है पानी का, यानी पानी जब अंदर, आपने देखा होगा जब पानी अंदर की तरफ गोल गोल घूमता है, नदी के अंदर देखा होगा आपने गोल गोल जब पानी घूमने लग जाता है उसको बोलते हैं हम वर्लपूल्स। तो इस तरह की वहाँ पे इंसिडेंट वहाँ पर समुद्र के अंदर होने लगते हैं। तो उसको वो बात याद आती है जब वो क्लास के अंदर बैठी हुई थी और वो उसके टीचर उसको पढ़ा रहे थे। जब वो उस समय उसके टीचर ने क्या बताया कि जो हवाइन आइलैंड्स के अंदर, हवाइन आइलैंड्स आपका है अमेरिका के अंदर, तो उसमें 1946 में एक बार जो सुनामी आई थी उसके बारे में उसके टीचर उसको, ज्योग्राफी टीचर उसको बता रहे थे। उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको दिखाया था, वो वीडियो दिखाया था जिसमें कि जो सुनामी जो होती है वो उसके आने का मेन रीज़न क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप और ज्वालामुखी का फटना और ज़मीन का खिसकना, ये मुख्य कारण होते हैं सुनामी के आने के। इस तरह से टीचर ने उसको बताया था। टिल स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रैटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। जो टिली थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम डर जाती है, वो अपनी फैमिली को बीच से हटने के लिए वो बोल देती है। उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है उसकी मदर। वो बात करती है किसके बारे में, वो अर्थ जो समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसके बारे में वो बात कर रही होती है और वो चीज़ उसको परेशान कर रही होती है। उसके बाद क्या होता है, तो उसकी मदर क्या बोलती है, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, लेकिन अपनी बेटी को जब वो डरा हुआ देखती है, जब वो टिली को जब वो उसकी मदर डरा हुआ देखती है, तो वो सोचती है कि वाकई में कुछ ना कुछ अब गड़बड़ या सीरियस कंडीशन अब होने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट फ्रॉम आफ्टर दैम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन। उसके बाद क्या होता है, टिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो उस टिली को और उसके सिस्टर को बीच से हटाकर वो उस होटल के अंदर ले आते हैं स्विमिंग पूल के सामने वहाँ पर, और जो बाकी टूरिस्ट होते हैं वो भी बीच को छोड़ चुके होते हैं तूफान के कारण। ठीक है, उसके बाद जो पूरा सी होता है वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जो पूरा समुद्र होता है समुद्र का पानी वो होटल की तरफ जहाँ पे वो थे उनकी तरफ वो बढ़ रहा होता है। और वो डो के बोलती है चलो तो भागो यहाँ से। तो टिली क्या बोलती है, बहुत ज़्यादा डरावना लगता है उसको, ये कंडीशन उसको बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है, तो वो बोलती है भागो यहाँ से रन। ठीक है, द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग विद सूट द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुडंट हैव बीन अलाइव। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी फैमिली डर के मारे वहाँ होटल के थर्ड फ्लोर में वहाँ पर आकर वो रुक जाती है, और जो समुद्र का जो पानी होता है वो काफ़ी स्पीड में आता है होटल की तरफ, लेकिन होटल उसको पूरी तरह से उसकी सुनामी की जो ताकत होती है उसको वो रोक देता है। ठीक है, उसके बाद वो टिली और उसकी फैमिली इस बात को इमेजिन करते हैं कि अगर का इस टाइम पे अगर वो बीच में होते, समुद्र के बीच में होते, तो उनमें से कोई भी अभी तक जिंदा ना बचता। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जो स्मिथ फैमिली होती है वो बाकी जो टूरिस्ट होते हैं उनसे मिलती है, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर उनकी उन टूरिस्ट की पूरी फैमिली इस सुनामी के अंदर ख़त्म हो गई होती है, मीन्स वो सारे ख़त्म हो गए होते हैं वहाँ पे। उसके बाद टिली को धन्यवाद दिया जाता है किस चीज़ का, कि जो उसने ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ा था उसकी वजह से उसने काफ़ी लोगों को पहले से वार्निंग दे दी थी सुनामी के बारे में, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान उस तूफान में बच गई थी। इसके बाद टिली जब वो वापस अपने घर इंग्लैंड जाती है, तो अपने क्लासमेट्स को इस भयानक कहानी के बारे में, इस भयानक सुनामी और सुनामी की जो कहानी थी उसको, उसके बारे में वो अपने क्लासमेट्स को वो बताती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर पार्ट सेकेंड। सो हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।